तो दोस्तों, अगर आप भी अपने स्मार्टफोन को अपग्रेड करने की सोच रहे थे और ढूंढ रहे थे कोई सा एक तगड़ा कैमरा सेंट्रिक स्मार्टफोन और अभी आपका बजट 20,000 के आसपास है, तो आज की इस वीडियो में आपके लिए सेलेक्ट किए हैं टॉप 5 बेस्ट कैमरा सेंट्रिक स्मार्टफोन्स अंडर 20,000, जहां पर आपको टॉप नॉच लेवल का कैमरा मिलने वाला है, OIS का सपोर्ट है, इवन 4K तक के वीडियोस को भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, उसके साथ साथ अच्छा खासा पावरफुल लेवल का 5G प्रोसेसर मिल जाएगा हेवी गेमिंग करने के लिए, टॉप नॉच लेवल का डिजाइन दिया गया है, स्मूथ परफॉर्मेंस मिलने वाली है और टॉप नॉच लेवल का यूजर एक्सपीरियंस भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो अगर आप भी कंफ्यूज थे अपने यूजर्स के अकॉर्डिंग और नीड के अकॉर्डिंग कौन से स्मार्टफोन के साथ जाना चाहिए, तो आप हमारी लिस्ट के स्मार्टफोन्स को जरूर चेकआउट कर सकते हैं। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलेगा, वीडियो को भी लास्ट तक जरूर देखेगा। बिना किसी देर के वीडियो को स्टार्ट कर लेते और बात कर लेते हमारी लिस्ट में नंबर 5 पे जो स्मार्टफोन आता है, वो आता है OnePlus की तरफ से OnePlus Nord CE 2 Lite। ये जो OnePlus का स्मार्टफोन है ना, अंडर 20,000 के बजट में आने वाला वन ऑफ द चीपेस्ट OnePlus डिवाइस है, जहां पर आपको अच्छे खासे कैमरे की क्वालिटी तो देखने को मिलती है, उसके साथ साथ क्लीन UI मिल जाएगा और एड्स फ्री, ब्लोटवेयर फ्री वाला एक्सपीरियंस मिलने वाला है। बात कर लेते हैं स्पेसिफिकेशंस के, तो यहाँ पर आपको 6.59 इंचेस की फुल HD प्लस वाली का IPS LCD पैनल मिलती है, जो कि 120Hz के रिफ्रेश रेट पे वर्क करती है। साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर है, 3.5mm का हेडफोन जैक भी है। बात करें प्रोसेसर की, तो यहाँ पर आपको क्वालकॉम की तरफ से स्नैपड्रैगन 695 वाला एक पावरफुल 5G प्रोसेसर मिलेगा। आउट ऑफ द बॉक्स स्मार्टफोन एंड्रॉइड 12 पे आता है और ऑक्सीजन ऑस 12.1 पे आपको वर्क करते हुए देखने को मिलने वाला है। 5000mAh की बैटरी दी गई है, जो कि सपोर्ट करती है 33W के सुपरबुक फास्ट चार्जिंग स्पीड पे। बात करें कैमरे की, तो यहाँ पर आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलेगा, जिसमें से प्राइमरी कैमरा 64MP का है, EIS का सपोर्ट मिल जाता है और अपर्चर f1.7 का है। दूसरा कैमरा 2MP का डेप्थ शूटर और तीसरा कैमरा 2MP का मैक्रो शूटर है। फ्रंट में आपको 16MP का सेल्फी शूटर मिलेगा, सोनी का सेंसर यूज किया गया है। स्मार्टफोन के मेन कैमरे में आपको 1080p तक की वीडियो रिकॉर्ड करने का ऑप्शन मिलता है, उसके साथ साथ AI एनहांसमेंट, सुपर स्लो मोशन और डुअल वीडियो मोड जैसे फोटोग्राफिक मोड्स मिल जाएंगे। बॉटम में सिंगल स्पीकर का सपोर्ट है, LPDDR4X की रैम है, UFS 2.2 की स्टोरेज है। और अगर फाइनली बात करें प्राइसिंग की, तो स्मार्टफोन का 6GB रैम प्लस 128GB रोम वाला वेरिएंट आपको Amazon पे देखने को मिल जाएगा 18,999 रुपीज में। और जितने भी प्रोडक्ट्स को मैं आपको रेकमेंड कर रहा हूँ, उन्हें आप डिस्क्रिप्शन में व्यू प्रोडक्ट वाले सेक्शन में जाकर भी परचेस कर सकते हैं। बाकी उसके बाद बात कर लेते हैं हमारी लिस्ट नंबर 4 पे जो स्मार्टफोन आता है, वो आता है रियलमी की तरफ से रियलमी 10 प्रो। तो अगर आपको 20,000 के बजट में कोई सा एक तगड़ा रियलमी का स्मार्टफोन चाहिए था, जहां पर आपको अच्छे खासे कैमरे की क्वालिटी मिल जाए, लेटेस्ट हो, तो रियलमी 10 प्रो आपके लिए एक बेस्ट चॉइस होने वाली है। बात कर लेते हैं इस स्मार्टफोन के स्पेसिफिकेशंस की, तो यहाँ पर आपको 6.72 इंचेस की फुल HD प्लस वाली IPS LCD पैनल मिल जाती है, जो कि 120Hz के रिफ्रेश रेट पे वर्क करती है। 600 nits की पिक ब्राइटनेस मिल जाएगी, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर भी है। बात करें प्रोसेसर की, तो यहाँ पर आपको क्वालकॉम की तरफ से स्नैपड्रैगन 695 वाला एक पावरफुल 5G प्रोसेसर मिलता है। आउट ऑफ द बॉक्स स्मार्टफोन एंड्रॉइड 13 पे आता है और रियलमी UI 4.0 पे आपको वर्क करते हुए देखने को मिल जाएगा। 5000mAh की बैटरी मिलती है, जो कि सपोर्ट करती है 33W के सुपरबुक फास्ट चार्जिंग स्पीड को। यहाँ पर आपको डुअल कैमरा सेटअप मिलता है, जिसमें से प्राइमरी कैमरा 108MP का है, सैमसंग का HM6 वाला सेंसर यूज किया गया है। दूसरा कैमरा 2MP का पोर्ट्रेट शूटर है और फ्रंट में 16MP का सेल्फी शूटर दिया गया है। बात करें एक्स्ट्रा फीचर्स के, तो यहाँ पर आपको डुअल स्टीरियो स्पीकर्स मिल जाते हैं, डायनेमिकली रैम एक्सपांड करने का ऑप्शन भी दिया गया है, LPDDR4X की रैम है, UFS 2.2 की स्टोरेज है। और अगर फाइनली बात करें प्राइसिंग की, तो इस स्मार्टफोन का 6GB रैम प्लस 128GB रोम वाला वेरिएंट आपको देखने को मिल जाएगा 18,999 रुपीज में। उसके बाद बात कर लेते हैं हमारे लिस्ट नंबर 3 पे जो स्मार्टफोन आता है, वो आता है मोटोरोला की तरफ से Moto G82। तो अगर आपको 20,000 के बजट में कोई सा एक बेस्ट स्टॉक 100 के साथ आने वाले स्मार्टफोन चाहिए, जहां पर आपको एकदम क्लीन UI मिल जाए, टॉप नॉच लेवल का यूजर एक्सपीरियंस हो, तो आप G82 को जरूर कंसीडर कर सकते हैं। यहां पर आपको तगड़े कैमरे की क्वालिटी भी देखने को मिल जाती है, OIS का सपोर्ट दिया गया है। बात कर लेते हैं G82 के स्पेसिफिकेशंस की, तो यहां पर आपको 6.6 इंचेस की फुल HD प्लस वाली POLED पैनल मिल जाती है, जो कि 120Hz के रिफ्रेश रेट पे वर्क करती है। ये एक 10-bit वाली पैनल है, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल जाएगा, 3.5mm का हेडफोन जैक भी दिया गया है। बात करें प्रोसेसर की, तो यहाँ पर आपको क्वालकॉम की तरफ से स्नैपड्रैगन 695 वाला एक पावरफुल 5G प्रोसेसर मिलता है। आउट ऑफ द बॉक्स स्मार्टफोन एंड्रॉइड 12 पे आता है, MIUX पे आपको वर्क करते हुए देखने को मिल जाएगा। 5000mAh की बैटरी दी गई है, जो कि सपोर्ट करती है 30W के टर्बो पावर फास्ट चार्जिंग स्पीड को। यहाँ पर आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलता है, जिसमें से प्राइमरी कैमरा 50MP का है, क्वाड पिक्सल टेक्नोलॉजी पे वर्क करता है और OIS का सपोर्ट भी दिया गया है। दूसरा कैमरा 8MP का वाइड और डेप्थ शूटर और तीसरा कैमरा 2MP का मैक्रो शूटर है।
फ्रंट में आपको 16 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर मिल जाएगा। स्मार्टफोन के मेन कैमरे में आपको 1080p तक की वीडियो रिकॉर्ड करने का ऑप्शन मिलता है 60fps पे। उसके साथ साथ बहुत सारे फोटोग्राफिक मोड्स दिए गए हैं, जैसे कि ऑटो स्माइल कैप्चर, स्मार्ट कंपोजिशन और शॉट ऑप्टिमाइजेशन जैसे। डुअल स्टीरियो स्पीकर्स मिल जाते हैं डॉल्बी एटमॉस की तरफ से। थिंकसिल की सिक्योरिटी है, IP52 का वाटर रिपेलेंट डिजाइन है। और अगर फाइनली बात करें प्राइसिंग की, तो इस स्मार्टफोन का 6GB रैम प्लस 128GB रोम वाला वेरिएंट आपको फ्लिपकार्ट में देखने को मिल जाएगा 19,999 रुपीज में। उसके बाद बात कर लेते हैं हमारी लिस्ट नंबर सेकंड पे जो स्मार्टफोन आता है, वो आता है सैमसंग की तरफ से सैमसंग गैलेक्सी M33। तो अगर आप 20,000 के बजट में कोई सा एक सैमसंग का ही स्मार्टफोन ढूंढ रहे हैं, तो M33 मेरे ख्याल से आपके लिए एक बेस्ट चॉइस होने वाली है। और जो सैमसंग के स्मार्टफोन्स होते हैं ना, वो अपने डिस्प्ले की क्वालिटी, कैमरे की क्वालिटी और टॉप नॉच लेवल के यूजर एक्सपीरियंस के लिए जाने जाते हैं। बात कर लेते हैं M33 के स्पेसिफिकेशंस की, तो यहाँ पर आपको 6.6 इंच की फुल HD प्लस वाली एक TFT पैनल मिलती है। ये एक ड्रॉप नॉच वाली पैनल है जो कि 120Hz के रिफ्रेश रेट पे वर्क करती है। कॉर्निंग के गोरिल्ला ग्लास 5 का सपोर्ट मिल जाएगा, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर भी दिया गया और 3.5mm का हेडफोन जैक मिलने वाला है। बात करें प्रोसेसर की, तो यहाँ पर आपको सैमसंग की तरफ से एक्सिनोस 1280 वाला एक पावरफुल 5G प्रोसेसर मिलता है। आउट ऑफ द बॉक्स स्मार्टफोन एंड्रॉइड 12 पे आता है, UI 4.1 पे आपको वर्क करते हुए देखने को मिल जाएगा। 6000mAh की एक बिग बैटरी देखने को मिलती है जो कि सपोर्ट करती है 25 वोल्ट के फास्ट चार्जिंग स्पीड को, पर इन बॉक्स आपको कोई भी चार्जिंग अडैप्टर नहीं मिलने वाला है। बात करें कैमरे की, तो यहाँ पर आपको क्वाड कैमरा सेटअप मिलता है, जिसमें से प्राइमरी कैमरा 50MP का है, अपर्चर F1.8 का, दूसरा कैमरा 5MP का अल्ट्रा वाइड, तीसरा और चौथा कैमरा 2+2MP के डेप्थ और मैक्रो शूटर है। फ्रंट में भी आपको 8MP का सेल्फी शूटर मिल जाएगा। स्मार्टफोन के मेन कैमरे में आपको 4K तक की वीडियो रिकॉर्ड करने का ऑप्शन मिलता है। उसके साथ साथ बहुत सारे फोटोग्राफिक मोड्स मिल जाएंगे। 10x तक डिजिटली जूम करने का ऑप्शन भी दिया गया है। बात करें एक्स्ट्रा फीचर्स के, तो यहाँ पर आपको वर्चुअली रैम एक्सपांड करने का ऑप्शन मिलता है। सैमसंग के 9C सिक्योरिटी है, पावरफुल टेक्नोलॉजी दी गई है। और अगर फाइनली बात करें प्राइसिंग की, तो स्मार्टफोन का 6GB रैम प्लस 128GB रोम वाला वेरियंट आपको देखने को मिल जाएगा 18,999 रुपीज में। उसके बाद फाइनली बात कर लेते हैं हमारी लिस्ट नंबर 1 पे जो स्मार्टफोन आता है, वो आता है IQOO की तरफ से IQOO Z6 Pro। तो दोस्तों, अगर आपको अभी के टाइम पे 20,000 के बजट में कोई ऐसे एक अल्टीमेट लेवल के परफॉर्मेंस के साथ आने वाला स्मार्टफोन चाहिए, जहां पर आपको टॉप नॉच लेवल के कैमरे की क्वालिटी भी मिल जाए, तो IQOO Z6 Pro आपके लिए एक बेस्ट चॉइस होने वाली है। नॉर्मली स्मार्टफोन की प्राइसिंग 22,000 के आसपास रहती है, पर इंक्लूडिंग बैंक ऑफर अगर आप परचेस करते हो, तो आराम से स्मार्टफोन आपको 20,000 के बजट में मिलने वाला है। वैसे आप IQOO Z5 के साथ भी जा सकते हैं, जो कि नॉर्मली 18-19,000 के बजट में जरूर मिलता है, पर अभी अमेजोन पर अवेलेबल नहीं है। तो अगर आपके पास बैंक ऑफर अवेलेबल है, तो आप Z6 Pro को जरूर कंसीडर कर सकते हैं। बात कर लेते हैं स्पेसिफिकेशंस की, तो यहाँ पर आपको 6.44 इंचेस की फुल HD प्लस वाली एक सुपर AMOLED डिस्प्ले मिल जाती है, जो कि एक वाटर ड्रॉप नॉच वाली डिस्प्ले है। 90Hz का रिफ्रेश रेट दिया गया है, 1300 निट्स की पिक ब्राइटनेस मिल जाएगी और इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर भी दिया गया है। बात करें प्रोसेसर की, तो यहाँ पर आपको क्वालकॉम की तरफ से स्नैपड्रैगन 778G वाला पावरफुल 5G प्रोसेसर मिलता है। ये एक मिड रेंज लेवल का प्रोसेसर है, जो कि आपको 20,000 के बजट में बहुत ही तगड़ी परफॉर्मेंस निकाल के दे देगा। आउट ऑफ द बॉक्स स्मार्टफोन एंड्रॉइड 12 पे आता है, फंटाचोस 12 पे आपको वर्क करते हुए देखने को मिलने वाला है। 4700mAh की बैटरी मिल जाती है, जो कि सपोर्ट करती है 66W के फास्ट चार्जिंग स्पीड को। बात करें कैमरे की, तो यहाँ पर आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलेगा, जिसमें से प्राइमरी कैमरा 64MP का है, दूसरा कैमरा 8MP का अल्ट्रा वाइड और तीसरा कैमरा 2MP का मैक्रो शूटर है। फ्रंट में भी आपको 16MP का सेल्फी शूटर मिलेगा। स्मार्टफोन के मेन कैमरे में आपको 4K तक की वीडियो रिकॉर्ड करने का ऑप्शन मिल जाएगा 30fps पे। उसके साथ साथ नाइट मोड, पोर्ट्रेट मोड और डुअल वीडियो मोड जैसे फोटोग्राफिक मोड दिए गए हैं। बात करें एक्स्ट्रा फीचर्स की, तो 4DGM लीनियर वाइब्रेशन मोटर मिल जाती है, VC लिक्विड कूलिंग सिस्टम है, एक्सटेंडेड रैम का सपोर्ट भी दिया गया। और अगर फाइनली बात करें प्राइसिंग की, तो जो स्मार्टफोन का बेस वेरिएंट 6+128GB रोम वाला वेरिएंट आपको नॉर्मली 22,999 रुपीज में देखने को मिल जाता है। बाकी अगर आप इंक्लूडिंग बैंक ऑफर परचेस करते हो, तो आपको ICICI के बैंक कार्ड्स पे 3,000 का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा, जिसकी वजह से स्मार्टफोन आपको अंडर 20,000 के बजट में आराम से मिलने वाला है। तो दोस्तों, ये तो थे हमारे लिस्ट के टॉप 5 बेस्ट कैमरे सेंट्रिक स्मार्टफोन, जिनकी प्राइसिंग आपको 20,000 के आसपास देखने को मिल जाती है। आप अपने नीड के अकॉर्डिंग, यूजर्स के अकॉर्डिंग और बजट के अकॉर्डिंग किसी भी स्मार्टफोन के साथ जा सकते हैं। बाकी दोस्तों, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये आज का वीडियो पसंद आया हो, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।